24 अगस्त 2021 को जो पैट का एग्ज़ाम हुआ उसमें 20 क्वेश्चन दोनों ही शिफ्टों में, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट रही हो चाहे वो सेकंड शिफ्ट रही हो, तो 20-20 क्वेश्चन ग्राफ के रहे हैं। ग्राफ के क्वेश्चनों ने काफ़ी समय भी लिया है बच्चों का, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। लेकिन जिन बच्चों का थोड़ा मैथ सही था तो वो यहाँ पर अपने नंबर भी ज़रूर बढ़ा गए हैं। चलिए, इनमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत आसानी से हो रहे थे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर समय ले रहे थे। ये फर्स्ट शिफ्ट के लेकर आए हैं हम 20 क्वेश्चन, इसके बाद हम सेकंड शिफ्ट के जो ग्राफ के क्वेश्चन हैं वो भी आपको कराएंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन निर्देश दिया गया है 1 से 5 दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर क्या है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया गया है। ये 5 सेल्समैन कौन है भाई, ए बी सी डी और ई, ये 5 सेल्समैन हैं और 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 और साथ साथ 2020 का ये इनका कमीशन दिया गया है। अब यहाँ पर टोटल भी दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष मतलब 2018 के कुल कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत था। देखिए ज़्यादातर उत्तर यहाँ पर आपको लगभग में ही देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो बी के कमीशन की और केवल 2018 के टोटल कमीशन की हमें ज़रूरत है। टोटल कमीशन पहले से ही उसने जोड़ कर दिया है, बी का कमीशन भी आपके सामने है यहाँ पर 2018 का। तो बी ने 2018 में 2800 रुपये कमीशन लिया, कितना, 28,000 रुपये कमीशन लिया। और यहाँ पर जो टोटल कमीशन बना 2018 का सभी का पांचों सेल्समैनों का, वो बना 146,960। अब परसेंटेज निकालनी है तो गुणा में 100 और करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो आ जाएगा भैया 19.05, कितना आ जाएगा 19.05। तो ये आपका कौन सा आंसर, इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहे हैं। 8 सेट, तो 8 सेट में किसी का आगे पीछे क्वेश्चन किया हुआ है, किसी की सीरीज बदली हुई है, किसी के ऑप्शन बदले हुए हैं, तो आप केवल उत्तर पर ध्यान दें और किस तरह से क्वेश्चन होना है उस पर ध्यान दें। मतलब कुल मिलाकर आप पर क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भी आपको पैट में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। 2018 और 2015 में तुलनात्मक अध्ययन देखना है, 2018 और 2015 में। देखिए 2015 की लाइन ये है और 2018 की लाइन ये है। अब यहाँ पर घटा घटा के देखना है कि अगर मैं यहाँ पर देखें इन दोनों का अंतर लूँ, किसका, 29,800 और 27,350 का, तो ये बनेगा 2,450। इसी तरह से 26,850 और 28,000 का अंतर लूँ तो बनेगा 1,150। इसी तरह से अगर मैं 26,200 और 29,100 का अंतर लूँ तो आ जाएगा भैया कितना, 2,900। और इसी तरह से अगर 27,850 और 30,060 का मैं अंतर लूँ तो यहाँ पर बनेगा 2,260। और लास्ट में अगर मैं यहाँ पर अंतर लूँ 28,640 और 30,000 का तो बनेगा 1,360। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर है, आप देख सकते हैं 2,900 सबसे ज़्यादा संख्या ही है, और 2,900 किस नंबर पर है, तीसरे पर कौन है, सी। तो ऑप्शन में देखते हैं कि सी किस में दिया है, सी दिया है भैया पहले ही ऑप्शन में, तो इस तरह से इसका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, किसी के भी द्वारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम का अंतर देखना है। अगर मैं 2015 की बात करूँ तो यहाँ पर 2015 में जो उच्चतम है, जो सबसे ज़्यादा है, वो कितना है, 28,640 और जो सबसे कम है वो है 26,200, और इन दोनों का अंतर लेंगे, फिर इसी तरह से सभी का अंतर लेंगे। लेकिन हमें अगर हमें समय बचाना है तो अगर लास्ट वाली लाइन में देखें तो सीधा सीधा देखें यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 32,000 और सबसे कम है 27,000, तो 32 में 27 जाएंगे तो 5,000 बनेगा, कितना बनेगा 5,000। अब मोटा मोटा सा लगा लो बाकी का, आप
इसका तो आ गया भैया लास्ट वाले का कितना 5000। अब इसमें अगर आपने देखा है 28640 और 26200 का अंतर लूँ तो 28640 की बजाय आप अगर डायरेक्ट इसे 28000 भी मान लें और इसमें से 26000 घटा दें तो कितने का 2000 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर 30040 में से 27800 घटाएंगे इस वाली लाइन में तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना 3000 का यहाँ पर कुल अंतर मिलेगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा अंतर है किस साल में, लास्ट वाले साल में 2020 में, और 2020 किस ऑप्शन में दिया है इन्होंने, पहले ही ऑप्शन में दे दिया है 2020। तो इस तरह से इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए चौथा क्वेश्चन है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना है, लगभग कितना है, तो ये कितना है। तो डी का यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में कितना है 29800 और ए का जो है वो है आपका 24600 और यहाँ पर परसेंटेज बनाना है तो गुणा 100 लगाना है और जैसे ही हम इसे हल करेंगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ है 29000, यहाँ है 24000, मतलब ये 100 से ऊपर जाएगा और 100 से ऊपर कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पहले 5 क्वेश्चन में है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, ये देखना है आपको। उसने कहा सी द्वारा, सी का देखना। अब यहाँ पर अंतर लेते जाना, जो पहला अंतर बन रहा है 2016 में आप देखेंगे यहाँ पर 27800 में से अगर 26200 में घटा दूँ तो कितना बन रहा है भैया 1600। फिर अगर मैं घटाऊँ 28200 में 27800 तो बनेगा 400। फिर इसी तरह से आगे घटाएंगे हम तो बनेगा 900, इसी तरह से आगे घटाएंगे तो 300 और फिर लास्ट में अगर हम घटा दें यहाँ पर 30000 में से 29400 तो ये बनेगा कितना 600। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर है, 1600 पहले नंबर पर ही, मतलब 2016 में। तो 2016 इसका सही आंसर हो जाएगा जो डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 से 10 की अगर बात करें तो विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। यहाँ पर 4 दिए गए हैं, एंजल है, शेर खान है, जीरोदा है और ट्रेडबुल है। ये टोटल यहाँ पर इन्होंने टेबल दी है। अब क्वेश्चन बनते हैं इसके, यहाँ से अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, आपको ये बताना चाहे कम या ज़्यादा। अब जून के देख लो भैया, अगर हम जून की बात करें तो टोटल यहाँ पर कितने खाते खुले हैं, चाहे किसी भी कंपनी द्वारा खुले गए हैं, तो इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो बनेंगे 133 और जबकि अगर हम बात करें अगस्त की तो इन सभी को जोड़ दें तो ये बनेंगे 180। तो 133 से 180 कितना ज़्यादा है, 47 ज़्यादा है। 47 गुणा 100 बटे किससे ज़्यादा है, 133 से, और जैसे ही सेल करेंगे तो आ जाएगा 35.3% जो है इसका आंसर बन जाएगा सही, 35.3 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। मई से सितंबर तक की हमें यहाँ पर क्या करनी है भैया, बात करनी है मई से सितंबर तक की, और किसकी, एंजल और जीरोधा की। चलिए भाई सबसे पहले एंजल की बात कर लेते हैं, अगर इन सभी को जोड़ दो, एंजल की पूरी लाइन जोड़ दोगे आप तो बनेगा 208, कितना बनेगा 208। इसी तरह से अगर आप जीरोधा के सभी जोड़ दोगे तो बनेंगे कितने भैया 200, आप जोड़ के देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब इनका अनुपात चाहिए तो केवल आपको 208 को भाग करना है किससे, 200 से, ठीक है जी। पहले 200 काट दो, 104 आया और 200 काट दिया 100 आया, जैसी भाग करेंगे तो 1.04 इसका आंसर बन जाएगा। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या सबसे ज़्यादा है, महत्तम है, तो आपको ये देखना है सबसे ज़्यादा खाते किसने खोल दिए हैं। भाई यहाँ पर हम बता चुके हैं 208 खाते खुले हैं और जीरोधा के हमने बता दिए हैं कितने 200, ये अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने किए हैं। अगर शेर खान की बात करें तो शेर खान ने टोटल इन सबको जोड़ोगे तो 147 खाते ही ये शेर खान खोल पाया है, जबकि ट्रेडबुल ने खाते खोल दिए हैं भैया 232। तो सब जानते हैं कि भैया 232 सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ट्रेडबुल बाजी मार गया और ट्रेडबुल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है भैया।
अब देखिए ट्रेड बुल में हमने बताया था कितने खाते खुले हैं, 232, कितने खाते खुले हैं 232। और दूसरा उसने कहा है शेर खान, शेर खान में खुले हैं कितने भैया 147। अब इनका अंतर लिया, अंतर लिया तो 12 में से 7 गए, बचे भाई यहाँ पर 5, और 12 में से यहाँ पर 4 जाएंगे तो बचेंगे 8, मतलब 85 ज़्यादा है। तो 85 गुना 100 बटे किससे ज़्यादा है भैया, 147 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 57.8 के आसपास बनेगा, मतलब डी ऑप्शन इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, सबसे ज़्यादा जो है किस महीने में खाते खुले हैं ये आपको देखकर बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के हिसाब से। तो यहाँ पर इन सभी को आप जोड़ के देखेंगे, जोड़ के देखने के बाद आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा खाते कहाँ पर खुले हैं। देखें बात अगर करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या आपको दिखाई दे रही है या तो अगस्त में या सितंबर में, ठीक है। तो अगर मैं सितंबर के जोड़ूँ तो 55, 45, 100 और यहाँ पर 40, 60, 200, टोटल 200 हैं, ठीक है, ये 200 हैं। और यहाँ पर देखिए 65 और 30, 95, 95 और 5 हो गए 100 और 30, 130 और 50, 180 खुले हैं अगस्त में। और यहाँ पर तो संख्याएं ही कम हैं, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कहाँ है, सितंबर। तो सितंबर महीना सबसे ज़्यादा खाते खोलने वालों की गिनती में रहा सितंबर, सी ऑप्शन इसका सही रहा। अब इसके जो 10 क्वेश्चन हैं वो लास्ट में दिए हैं इन्होंने, 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए, 10 लास्ट में। अब इसे देखिए, ये भी एक आसान सा जो है ग्राफ दिया है इन्होंने। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 0.65 दिया है, 0.85 दिया है, 3.5 दिया है, 1.4 दिया है, 0.95, 1.55 दिया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किन छात्रों की भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक है। जहाँ पर एक से कम संख्या है वहाँ पर इतिहास में कम नंबर है, क्योंकि इतिहास को रखा है इन्होंने ऊपर और भूगोल को रखा है नीचे। अगर हम बड़ी संख्या ऊपर रखते हैं तो एक से बड़ी संख्या आएगी, और अगर छोटी संख्या ऊपर रखते हैं तो एक से छोटी संख्या आएगी। अब इतिहास में नंबर कम है इसका मतलब एक से छोटी संख्या रही होगी, तो आपको ये देखना केवल कहाँ कहाँ जो है आपके एक से कम है। तो देखिए पहला छात्र एक से कम नंबर ले रहा, दूसरा एक से कम ले रहा, तीसरा एक से कम ले रहा, और यहाँ पर चौथा पांच छठा एक से कम ले रहा। तो 1, 2, 3 और 6 इसका आंसर बन जाएगा, किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट की बात करते हैं, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ी है, ठीक है जी। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य की प्रतिशत जो है हमें बतानी है। अब एक बात बताइए, जब यहाँ पर नंबर ही नहीं दिए तो प्रतिशत हम कैसे बताएं, कैसे बताएं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 92 के लिए, अगर हम बात करें तो आंकड़े यहाँ पर अपर्याप्त हैं। क्या है भैया, आंकड़े अपर्याप्त हैं। इसके बाद है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर बताना। सबसे ज़्यादा नंबर क्या है भैया, आप देख सकते हैं 1.55 है, सबसे चोटी पर क्या है ये है, और सबसे नीचे है 0.35। अंतर लेना बस, घटा दो तो 1.20 इसका आंसर बन जाएगा, कितना 1.20, देख लो भाई 1.20 पहले ही ऑप्शन में है। इसके बाद है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में अंक, चौथा जो छात्र है उसे, यहाँ पर चौथे छात्र को देखो 1, 2, 3 और ये है चौथा, मतलब 1.25 इसका अनुपात है। 1.25 पॉइंट हटाओगे तो 0 लगाया यहाँ पर, यहाँ 25, 125, 125, 2400, इसका मतलब इतिहास में अगर 5 हैं तो यहाँ पर भूगोल में 4 हैं। और उसने कहा है कि ये 4 जो हैं वो 60 के बराबर हैं, तो 5 किसके बराबर होगा, 75 के बराबर हो जाएगा भाई। 4 से हम काटेंगे तो 15 बार, और 15 बने 75, इसका मतलब इतिहास में नंबर कितने बने, 75 नंबर बने हैं किसमें भैया, इतिहास में। आगे अगर बात करें तो कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में, तो जहाँ पर एक से ज़्यादा संख्या वो उत्तर बन जाएगी भैया, एक से ज़्यादा 1, 2, 3, तो 3 छात्र ऐसे रहे जिन्होंने इतिहास में भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा नंबर मार दिए हैं, ज़्यादा नंबर ले लिए हैं। इसके बाद अगला ग्राफ आया भाई, ग्राफ का अध्ययन करें और उत्तर दें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने हैं। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे उत्पादन का आपको क्या बताना भैया, प्रतिशत बताना है, ठीक है भैया।
तो यहाँ पर पहले चार को जोड़ दो, पहले चार को जोड़ दो, तो यहाँ पर इन चारों को अगर जोड़ दोगे आप तो बनेगा भैया कितना, 225। लास्ट के चार को जोड़ दोगे तो बनेगा कितना भैया, 275। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या, यहाँ पर बताना है इनका 225 और 275 के लिए क्वेश्चन क्या पूछा है। पहले चार वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम चार वर्षों में कच्चे उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई। 225 और 275 आया था, मतलब 50 का अंतर आया था, 50 बटे 225 गुना 100 कर दोगे तो कुल मिलाकर 22.2% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, देखिए अभी पहले चार जोड़े थे 225 आया था, लास्ट के चार जोड़े थे 275 आया था, तो यहाँ पर इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो कितना बनेगा, 0 5 5 10 की 0 हासिल को 1, 7 और 1 8 और 2 10 की 0 हासिल को 1, 2 और 2 4 और 1 5, कितने बने, 500 बटे कितने हैं टोटल, 8, 8 से भाग करेंगे तो बन जाएगा भैया ये 62.5। 62.5 किस ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है, सबसे ज़्यादा किस वर्ष घटी है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट जो है सबसे ज़्यादा घटत 2018 से 19 में सबसे ज़्यादा घटत रही है। अगर बात करें 99 क्वेश्चन की, 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितने जो है फ्रैक्शन बनेगी ये देखना, तो 2014-15 में कितना है वो ऊपर लिख दो आप, 2014-15 में है 51 और 2019-20 में कितना है वो लिख दें आप नीचे 68, तो 17-51 1768 कुल मिलाकर 3/4 उत्तर इसका सही बन जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का जो ग्राफ से संबंधित है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है। देखें एक तो यहाँ पर देखिए 53 से 65 जा रहा है, 53 से 65 मतलब 12 की वृद्धि हो रही, और फिर यहाँ 65 से 76 जा रहा है, 11 की वृद्धि हो रही, तो उच्चतम उत्पादन वृद्धि कहाँ पर हुई, 2016-17 में ये सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। तो इन्होंने स्टार्टिंग भी इस बी सेट की ग्राफ से की और एंड भी इस बी सेट का ग्राफ पर ही किया। तो ये हमने 20 के 20 क्वेश्चन पहली शिफ्ट के करा दिए हैं, पहले आप इन्हें देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो सेकंड शिफ्ट का है वो ग्राफ का सोल्यूशन हम जल्द ही आपके साथ साझा करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बने रहें हमारे साथ।